दुनिया भर में लॉकडाउन लगी रही और परेशानियां हुई, कई लोगों की जो है जाने चली गई। और अब फिर से जब कोरोना का एक लहर आने का जो अनुमान लग रहा है, उसे देखते हुए देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। अभी हम खूंटी के जो है सदर हॉस्पिटल का एक ये हिस्सा है, MCH बोलते हैं उसको, जहाँ की कोरोना से बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए ये वेंटिलेटर मशीनें हैं यहाँ पर, उसके अलावा भी कई जो व्यवस्थाएं होती है वो भी यहाँ की गई है। वेंटिलेटर मशीन किस प्रकार से काम करता है, जरा हम आपको ये जानकारी दिलवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। ये वेंटिलेटर मशीन किस प्रकार से ऑपरेट होता है, ये काम कैसे करता है, हमारे साथ एक्सपर्ट, जरा हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वपन कुमार है, ज्योति CNC मैन्युफैक्चरर कंपनी से है। अच्छा इस वेंटिलेटर का मैन्युफैक्चरर कंपनी से ही है, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस सब हम ही लोग करते हैं। ये बताइए, वेंटिलेटर जिस तरह से यहाँ लगाया गया है ताकि कोरोना अगर लहर जो जोरों पर हो तब यहाँ जो है ये मशीन काम आएगा, जरा इसके बारे में बताइए कि इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, इस ये मशीन हमारे जैसे जिसका जो भी पेशेंट आते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल परसेंटेज कितना है, उस हिसाब से उसको डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो क्या पेशेंट में वेंटिलेशन करें या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन दें, हाई फ्लो दें, क्या दें, डॉक्टर डिसाइड करेंगे पेशेंट पे। डिपेंडिंग टू पेशेंट, पेशेंट में अगर वेंटिलेशन पे गया, उसका ऑक्सीजन लेवल अगर कम रहा, बहुत कम हो रहा और वो नहीं रिकवर कर पा रहा है, तो उसको वेंटिलेशन में हम लोग लाएंगे। वेंटिलेशन के लिए हम लोग को इसमें ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए। हमारे इस मशीन में हमने पहले से ही कंप्रेसर दे रखा है, जिसमें कि वो एयर का सप्लाई देगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप एक ही लाइन है, तो दो दो तीन लाइन जहाँ पे होते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई लाइन है। मतलब जिस प्रकार से जहां लोड कहें तो लोड पड़ता है, उसके हिसाब से ये पाइपलाइन भी लगाया जाता है ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए ही है ये मशीन, पाइपलाइन ऑक्सीजन पाइपलाइन से ही चलेंगे। और हम लोग एयर सप्लाई के लिए अलग से एक कंप्रेसर नीचे दिए हुए हैं, कंप्रेसर दिए हुए हैं, और जो मशीन को मिक्स एयर सप्लाई करता है। उसके बाद वेंटिलेशन के सिस्टम है अलग से, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, न्यू पेशेंट, प्रीवियस पेशेंट, पेशेंट पे पेशेंट जाने के बाद उसका अलग पैरामीटर्स है, सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा। ब्रीथ रेट कितना है, पेशेंट पे डिपेंड करेगा, उस सबका जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से वो सब डाल के उसके बाद उसको पेशेंट को वेंटिलेशन पे डाला जाएगा, जिससे कि वो कुछ दिन में, एक दो दिन में वो रिकवर करने लगेगा। ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, हाई फ्लो में रहेगा, सब कुछ सही एक्यूरेट रहेगा, तो फिर कुछ दिन में पेशेंट रिकवर कर दे। चलिए, अच्छा ये आप यहाँ लगभग सब सेट कर चुके हैं, कितने मशीन नहीं, हैं ये मेरे ज्योति और CNC के PM केयर तरफ से 6 मशीन दिए गए हैं, 6 सेट करके जाएंगे। अभी पूरा नहीं हुआ, 6 हो गया, डेमो भी है, ट्रेनिंग भी हो गया, सब कुछ है गया लग जाए। यहाँ ट्रेनिंग दिए हैं हाँ स्टाफ को, कितने हाँ लोग ट्रेनिंग लेते हैं सर, अभी 5-6 डॉक्टर थे और भी स्टाफ नर्स थे, ट्रेनिंग सभी कोई थे। हाँ, देते हैं, लगभग ट्रेनिंग, और दो बढ़िया से बार सिखा दिया है ना, हाँ, ऑपरेट और करने हम में कोई लोग दिक्कत नहीं एवरी है। टाइम अवेलेबल हैं, कोविड अच्छा के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। एक लेटर इशू करें, एक कॉल करें, हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24x सर्विस है। चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक आप मशीन के बारे में जिस तरह से अभी जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि ये जो है, जब आपने देखा होगा पहले भी कोरोना काल में जब लोगों का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तब यही वेंटिलेशन जो है ये मशीन काम आता है, इसके द्वारा लोग वैसे पेशेंट को ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति कहे तो आपूर्ति की जाती है। तो इस विषय को लेकर आज यहाँ जो है मॉक ड्रिल किया गया और दिखाया गया कि किस प्रकार से इमरजेंसी सेवाएं सेवा इमरजेंसी जब होती है, जब पेशेंट जो इसकी जिसकी स्थिति बिगड़ने लगती है, उसे किस प्रकार से हॉस्पिटल तक लाया जाएगा और उसे किस कैसे कैसे जो है यहाँ इलाज के लिए आगे की प्रक्रिया उसकी की जाएगी। हालांकि हमने उपायुक्त कुटी उपायुक्त शशि रंजन से भी अभी बात किया, उन्होंने भी कुछ संदेश भी दिए और यहाँ जो कुछ व्यवस्थाएं हैं इसकी इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को बताया गया था कि यहाँ पर मॉक ड्रिल करना है, कोरोना को लेकर के कोविड के नए नए वेरियंट आ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे फुल रिहर्सल रखा गया था, जिसमें हमारा 20 बेड का जो वेंटिलेटर है सबको चला करके दिखा गया, जितने डॉक्टर उनको रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग भी हुई है। यहाँ पे किस चीज़ को कैसा ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इन केस ऑफ एनी क्राइसिस हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, क्रिटिकल केयर यूनिट कैसे काम करेगी, इस पर आज गहन चर्चा हुई है। और हमको लगता है कि ये प्रैक्टिस हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे आने वाले वीक में, ताकि जो भी के सब एनी इवेंट रिलेटेड होता है, उसको हम लोग टैकल करने में आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में अभी खड़े हैं, इसके बाद हम लोग का आइसोलेशन वार्ड भी अलग से रहेगा,
जहाँ पर लोगों को आइसोलेट रखेंगे, इनके सब एनी रिक्वायरमेंट उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। और जो हमारे अदर्स हॉस्पिटल हैं जो ब्लॉक लेवल पर CST है, वहाँ से डॉक्टर को MRC को ट्रेन किया जा रहा है और वहाँ पर भी हम लोग क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने जा रहे हैं, ताकि मरीज को एकदम से जिला अस्पताल आने के पहले एक प्राइमरी जो इंस्पेक्शन है और प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वहाँ स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि उनको एक बेहतर सुविधा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके। शहर के लिए क्या तैयारियाँ हैं जैसे कोविड अगर आ जाता है? देखिए, ऑक्सीजन का बेड मेरे पास सफिशिएंट नंबर में है, ऑक्सीजन सिलेंडर सफिशिएंट नंबर में, कॉन्सेंट्रेटर सफिशिएंट नंबर में, मेरे पास 500 लीटर का और 300 लीटर का यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट सेटअप, दो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया हुआ है। तो वैसे इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर रेफरेंस हैं, जितने भी हमारे पास मेडिसिन चाहिए वो भी हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी फुल्ली ट्रेंड हो चुके हैं। तो हमको लगता है कि और हम लोग भी प्रशासनिक अधिकारी भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ऑन द टूर रहेंगे, यहाँ पर ग्राउंड पे मरीजों के साथ ही रहेंगे अगर कोशिश अगर जरूरत पड़ती है तो, और कोशिश करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। और जो चीज़ें कमी रहेगी, जो एक्सपीरियंस हम लोग मिला आपसे, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, वो भी मैनेजमेंट में प्लानिंग आपको देखने को मिलेगा। कोविड का वैसे तो कोर्ट में एक भी केस नहीं है, हम लोग RT-PCR और रैट टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई केस नहीं आया है। जितने लैब हैं उसको हम लोगों ने फंक्शन कर दिया ऑलरेडी, और फुल्ली फंक्शन सारे किट अवेलेबल हो गए हैं। तो जिनको लगता है कि हमको कोविड के लक्षण जैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो आकर के आवश्यक रूप से टेस्ट करा, ताकि कोई फैलने के पहले चीज़ें हमको कंट्रोल कर सके, कंटेनमेंट जोन बना सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके। देखिए, बचाव में जानकारी ही बहुत बड़ी सुरक्षा है, तो अब जितनी जल्दी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिनायल काम नहीं करेगा कि हमको नहीं हुआ है, वो मैटर काम नहीं करेगा। अगर हुआ है तो शर्माने वाले घबराने वाले कोई बात नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर उसके लिए मेडिकेशन होता है। अगर आप मानेंगे नहीं हुआ है तो टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को और अपने आसपास के लोगों को संक्रमित करेंगे, जिससे हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म होगा। तो आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर वाली टीम पर, प्रशासन पर भरोसा करें, आप लोग की बेहतर सुविधा के लिए हम सारी तैयारी करते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड टुडे।